इसमें कि विजय ही विजय 2020 में होगा, जीत निश्चित जीत होगी। दोस्तों मैं इस चीज को आज ही मानता हूं कि 2020 में हमारा विजय हुआ है। कैसे हुआ है दोस्तों? अगर जूम नहीं आता, आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, तो दोस्तों 2021 की जो धमाका हमने दोस्तों अभी तो स्टार्टिंग में शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि 2021 के एंडिंग आते आते हमारे फ्रेशर और सिल्वर लेवल पर लोगों ने 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम पर दोस्तों जाएंगे, 1-1 लाख रुपए की इनकम पर जाएंगे। कैसे दोस्तों? निश्चित जीत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे आपसे, आप इस प्लान को समझिएगा, भागवत गीता का प्लान है और भागवत गीता का ओनली फॉर आप प्लान दिखा करके आप लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओनली फॉर एक मिशन भागवत गीता का अगर आपने बना लिया तो दोस्तों आप अपने टीम को कैसे आगे लेकर के जाएंगे। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा, आपको इस प्लान को चलाने के लिए एक भागवत गीता आपके पास होना चाहिए और दोस्तों साथ में आपके मोबाइल के अंदर में दोस्तों पीडीएफ फाइल होना चाहिए। अब यहां से मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से दोस्तों आप किसी के घर पे जाते हो, अगर आप प्लान दिखाते हो मैन टू मैन, उसकी मोबाइल फोन बंद कराते हो, 20 मिनट की समय लेते हो, ऐसे ही दोस्तों 20 मिनट की समय लेनी है, सेम वही प्रक्रिया करना है जो दोस्तों हम लोग अपना प्लान में करते हैं। और यहां से दोस्तों अपनी कहानी को शुरू करना है, आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप उनसे पूछना है। क्या आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? दोस्तों ये जसमल टारगेट जीतने का तरीका बता रहा हूं कि आप फर्स्ट परचेजिंग पर कैसे जीतेंगे अगले 2 वीक के अंदर में। ये मुहिम चला दो अपने टीम के अंदर में, मुहिम चला दो जो आज मैं पीडीएफ दूंगा आपको। क्या आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं? आपने उनसे क्वेश्चन करना है। क्या आप अपने माता पिता के दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा देना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे में अच्छे संस्कार देना चाहते हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन में और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में आर्थिक उन्नति भी पाना चाहते हैं? क्या आप सामाजिक कुरीतियों से दूर और समाज कल्याण में अपना योगदान देना चाहते हैं? ये दोस्तों प्लान लेने का तरीका है। उनका एंसर निकल करके आएगा यस। अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ है तो फिर मेरा एक सवाल और उठता है, कैसे, कैसे और कैसे। जब दोस्तों ऐसे आप बात करते हैं तब यहां पर तो इसका जवाब ये है, आप खुद अपने मुंह से बोलिए, इसको एकदम रट जाइए, और इसका जवाब ये है कि एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें आपने अपने आप में अटूट भारत का दर्शन है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो प्राचीन काल से करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कार की प्रेरणा दे रहा है, एक ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो आप में समग्र ब्रह्मांड है, जो हिंदुस्तान में सभी धर्मों को प्रेरणा का स्रोत है। बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, सभी धर्मों का प्रेरणा का स्रोत है। और दोस्तों उस धर्म का क्या नाम है? दोस्तों उस ग्रंथ का क्या नाम है? एक ऐसा अनमोल धार्मिक ग्रंथ जो महाभारत के समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अनमोल शब्दों में पिरोया गया है, जिसे एक बार पढ़ लेने से मात्र आपके और आपके समाज में हो रही सभी समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। जी हाँ, वो एक धार्मिक ग्रंथ है। और दोस्तों वो जी हाँ वो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। इस तरह से दोस्तों आपने प्लान देना है, कभी भी जीवन में हारा हुआ महसूस करें और कोई मार्ग ना दिखे तो सर आप भागवत गीता के शरण अवश्य ले लेना। दोस्तों मुहिम बना दो भागवत गीता को, मुहिम बना दो दोस्तों भागवत गीता को, और यहां से आपके बिजनेस के अंदर 9,990 रट जाओ, पूरी भारत के दोस्तों घर घर में घुसोगे। कैसे? आगे बात करता हूं दोस्तों। अब उनको समझाना होगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कटु सत्य, अभी और इजी प्रेजेंटेशन को मैं बनाऊंगा। हालांकि यह धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा में चला आ रहा है, परंतु बड़े ही दुख की साथ ये कहना पड़ता है कि एक अनमोल रत्न भागवत गीता भारत में आम जनों तक पहुंचकर भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि एक ग्रंथ किताब के रूप में तो लोगों के घर में पहुंच गया है, पर अधिकांश जन इस पवित्र ग्रंथ को
भागवत गीता को पूर्ण ज्ञान की लाभ नहीं ले पा रहे, इसका कारण क्या है? दोस्तों अगर हम किसी को भागवत गीता का भी प्लान दिखाते होंगे तो लोग आपको बोलते होंगे, सर भागवत गीता क्यों लेंगे, हमारे घर में तो है, 100 रुपए मिलता है, 20 रुपए मिलता है, लेकिन उसके बारे में उनसे एक श्लोक पूछो किसी को नहीं, सबके घर में भागवत गीता है, नहीं, कारण कीटाणु, क्यों नहीं उनको पता है दोस्तों, क्योंकि उसका इजी लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों जब आप प्लान देंगे तो उनको समझाएंगे कि कठिन संस्कृत शब्दावली जिसका उच्चारण अर्थ न समझ पाना, इस वजह से कोई भागवत गीता नहीं पढ़ता है। नंबर दो, आप संस्कृत पढ़े नहीं ढंग से, कहां से दोस्तों समझ जाएंगे। नंबर टू पॉइंट, दृष्टि दोष, अंधापन, कमजोर नजर। अब जो लोग 40-50 साल के ऊपर हो जाएंगे, अपने आंखों में चश्मा टांगने लगेंगे, वो दोस्तों कहां संस्कृत में पढ़ने जाएंगे, पेपर पढ़ने के लिए आंखें गड़ा गड़ा के पढ़ते हैं, तो दोस्तों भी नहीं कर पाएंगे। नंबर थर्ड पॉइंट, निरक्षरता, अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत है जिनके पास संस्कृत और इंग्लिश भी और हिंदी भी नहीं पढ़ पाए, वो लोग दोस्तों भागवत गीता का आनंद बुढ़ापे में नहीं ले पाएंगे। समाज में भागवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी, इसके वजह से दोस्तों एक कटु सत्यता है, हम सर जी भागवत गीता के एंजॉय नहीं ले पाते हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब उनको वहां पे बताना है, और आप अपनी भागवत गीता किताब को साथ में रखे हैं और अपने शहर में डेमो दे रहे हैं, तो एक वीक के अंदर दोस्तों आप 500-1000 लोगों को डेमो देंगे। और मेरी दोस्तों आज बात मान लीजिए, अगर आपको फर्स्ट परचेजिंग पर जीत करके दोस्तों आपको वहां पर आना है फर्स्ट परचेजिंग पर, तो सबसे बड़ा फायदा आज से दोस्तों, अगर आपके पास भागवत गीता है तो नहीं है तो दोस्तों अपने टीम में ऑर्डर कराइए, 1-2 दिन में आएगा, और 10 दिनों के अंदर में दोस्तों आपके टीम में 20-20 लोग 25-25 लोग ब्रॉन्ज और सिल्वर लेडर पर दोस्तों आप भागवत गीता के माध्यम से दोस्तों लोगों को जैसलमेर जिताओगे। कैसे? बड़े गर्व और उल्लास के साथ बताना चाहते हैं कि सभी की अटूट आस्था और विज्ञान की तरक्की के कारण हम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में विश्व की बोलने वाली पहली भागवत गीता से सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। विश्व की, जी हाँ, विश्व की पहली बोलने वाली भागवत गीता, अब इनको प्लान दे रहे हैं, भागवत गीता बगल में है, अब आप उनके सामने जादू खोलना है। और देखो कैसे दोस्तों खोलना है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। इस विश्व की पहली बोलने वाली भागवत गीता से निरक्षर, दृष्टिहीन, कमजोर नजर और यहां तक कि बच्चे संस्कृत के सही उच्चारण के साथ साथ ज्ञान लाभ ले सकते हैं, आपके घर के बच्चे भी, और इस प्रकार हम स्वयं के साथ साथ अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या दोस्तों बोलना है? एक सकारात्मक मिल जाएगा आपको, अभी मिल जाएगा। भागवत गीता धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप उनको बताएंगे, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ऐसे विचार के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गर्व और सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म को प्रचार करते हैं। यस और नो दोस्तों, बीच में क्वेश्चन पूछिए, अब इस प्लान को और सरल बनाऊंगा मैं। यस और नो दोस्तों, उस समाज के साथ के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम, बहुत सारे लोग हैं जो संगठन चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, इन लोगों के पास दोस्तों एक भागवत गीता अगर आप लेकर के पहुंचे दोस्तों हजारों हजार में लाइन लगने वाली है। मेरी बात समझ जाओ दोस्तों, मुहिम बना डालो भागवत गीता का, अगर 1 साल में डायमंड शिप चाहिए, मुहिम बना डालो, ऑफर पर ऑफर दोस्तों चल रहा है, लेकिन इस दौरान आपकी उनकी आर्थिक चुनौती ही एकमात्र ऐसा कारण है जिससे वो सही से और पूर्ण तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। या सुनो दोस्तों, बहुत लोग हैं जो धर्म के प्रचार करना चाहते हैं, पैसा के कारण दोस्तों अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे, क्योंकि घूमने फिरने में दोस्तों बहुत पैसे की खर्च है, एक शहर से दूसरे जगह जाने में बहुत पैसा का खर्च है। ये सुनो दोस्तों, मतलब दुनिया की कोई भी काम करे उसके साथ दोस्तों आपके साथ में आर्थिक चुनौती है। नो, जब आप लोगों को धर्म प्रचारक जिस तरह के लोग मिलते हैं, और इसलिए अब हम सबसे ज्यादा हर्ष की बात यह है कि एक ऐसी महान संस्था जिसका कहना है कि आप धर्म भागवत गीता का प्रचार खुल करके और निश्चित होकर के कीजिए, और इस प्रचार प्रसार को करने के लिए ये संस्था आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। कौन सी संस्था दोस्तों? इस महान संस्था का उदय 14 दिसंबर सन 2000 में हुआ था, जो लगभग 20 वर्षों से लाखों लोगों को आर्थिक विकास में एक मार्गदर्शक बनकर के
बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है दोस्तों, और वो संस्था है सेफ स्वप डायरेक्ट डील से। दोबारा सुनिए, वो संस्था है दोस्तों डायरेक्ट डील से। आप प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आपके पास दोस्तों आर्थिक चैलेंजेज है, तो आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए सेफ स्वप बोलती है कि आप भागवत गीता का प्रचार प्रसार करेंगे, तब भी दोस्तों भागवत गीता के माध्यम से ये संस्था आपको घूमने फिरने के लिए भी दोस्तों पैसा देगी। अब दोस्तों आपको अपने परिवार को चलाने के लिए, आपको अपने ड्रीम्स को भी पूरा करने के लिए, और आपको समाज सेवा करने के लिए भी ये सेफ स्वप संस्था दोस्तों आपको पैसा देगी। कैसे दोस्तों? बहुत प्लान निजी बना रहा हूं, आगे पढ़ लीजिए। हमारा संकल्प है हर हर गीता घर घर गीता, हर हर गीता घर घर गीता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप मात्र दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप मात्र हर हर गीता घर घर गीता, दो घरों के अंदर में अगर आपने गीता उनके घरों तक पहुंचाया, हर हर गीता घर घर दो घरों में, अब सुन लीजिए दोस्तों बहुत ध्यान पूर्वक, तो आपको इस संस्था प्रचार प्रचार करने के लिए क्या देती है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसे उनको बोलिएगा यह आपको पूरे भारत में बोलने वाली भागवत गीता के लिए सिर्फ दो लोगों को भागवत गीता के प्रति जागरूक बनाते हैं। शब्द सुनिए, दो लोगों को प्रति भागवत गीता देने की जागरूक बनाते हैं और उनके घरों में भागवत गीता स्थापित करवा देते हैं। शब्द सुनिए दोस्तों, उनके घरों में भागवत गीता स्थापित करवा देते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या मिलेगा? एक आत्मिक खुशी, यस और नो, और साथ में मिलेगा आपको एक प्रोत्साहन राशि 1400 रुपए। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा, 1400 रुपए। प्लान दिखाइए इस मंत्र से दोस्तों, आप मार्केट के अंदर में छा जाओगे, भागवत गीता भारत की हर घरों में दोस्तों दिख जाएगी। क्योंकि आपको प्रचार प्रसार करने के लिए क्या मिल रहा है दोस्तों? पेट्रोल खर्च मनी, पेट्रोल मनी, आने जाने का खर्चा भी दोस्तों आपको मिलने लगा। और वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है दोस्तों हमारी संस्था सेफ स्वप दोस्तों, आपको इसकी प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों पैसा दे रही है। अब आगे बात करते हैं, उसके बाद आपसे जुड़े लोग द्वारा बोलने वाली भागवत गीता की जागरूकता जन जन तक पहुंचाने में भी आपको हर जोड़ी पर, दोबारा सुनिए, आपके द्वारा जुड़े हुए लोगों के द्वारा भी भागवत गीता हर घर में पहुंचाने पर हर जोड़ी में आपको 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और आपको असीमित गहराई तक दोस्तों मिलेगा। काम खत्म। अब सुनिए, प्लान भी हो गया इसमें कंप्लीट। आप दोस्तों यहां पर आ जाइए कि आपने जो भागवत गीता से जुड़ने वाले लोगों का एक संगठन की ताकत बना रहे हैं, एक संगठन की ताकत बना रहे हैं। वो संगठन की ताकत क्या है दोस्तों? मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूं ऑलरेडी उत्तराखंड के अंदर में दोस्तों, मेरा काम करने का यही एक मिशन है, जिस मिशन पे दोस्तों हम काम कर रहे हैं। और आपने वहां पर अगर बताते हैं खाली एक भागवत गीता को दोस्तों मिशन बना करके कि हर हर गीता घर घर गीता, एक ऐसा अभियान यदि आप सिर्फ ये संकल्प ले ले कि 1 साल में कम से कम 10 घरों में भी जागरूकता के साथ साथ बोलने वाली भागवत गीता स्थापित करवाएं, तो आइए दोस्तों 4 साल में आपकी संगठन कितना विशाल होगा और आपके संगठन के साथ घर घर गीता का प्रचार करने में आपको कितना प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। मतलब दोस्तों आपको अपने घर से खर्चा नहीं करना है, आप रिटायर्ड पर्सन है, आप हाउस वाइफ है, आप दोस्तों नौकरी में है, आप दोस्तों स्टूडेंट है, दोस्तों कोई भी आदमी दोस्तों, मेरे पास लोगों की हाथ उठने लगा है, सर जी फटाफट इस प्लान को अभी हमारे पास भेजिए, हम तो इसमें दोस्तों छा जाएंगे, जैसलमेर टारगेट को दोस्तों इस प्लान से हिट कर जाएंगे। वेरी गुड दोस्तों, वेट करिए, 10 मिनट के बाद आपके पास ये प्लान पहुंच जाएगा। पहले साल में 10 लोगों का संगठन जिसके घरों में बोलने वाली भागवत गीता स्थापित आपने कराई है, दूसरे सालों में उन लोगों के साथ काम करके 100 लोगों का संगठन जिनके घरों में बोलने वाली भागवत गीता आपने स्थापित करवा दी, तीसरे साल में उन 100 लोगों ने अगर 10-10 लोगों के घर में भागवत गीता स्थापित कराया, 1000 लोगों का संगठन जिनके घर में बोलने वाले भागवत गीता स्थापित हुई, और चौथे सालों में दोस्तों 1000 के साथ अगर 10-10 लोग आते हैं तो 10,000 लोगों का संगठन आपका बन जाएगा खाली भागवत गीता का प्रचार और प्रसार करने में। और हमने दोस्तों क्या कसम खाई है, पूरी वर्ल्ड का हर घरों में इसको पहुंचाना है।
तो आपके घर में भागवत गीता स्थापित हुई, आपका दोस्तों 5,000 जोड़े का संगठन तैयार हुआ। कितने का? और प्रोत्साहन राशि और 5,000 जोड़े में, अगर 5,000 मतलब 10,000 घर बना तो 5,000 जोड़े में दोस्तों आपको 50,00,000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि, जो हमारी संगठन है, जो भारत की अग्रणी संगठन सेफ शॉप दोस्तों आपको घर में देगी। नोट, जैसे कि हम जानते हैं कि संस्था सेफ शॉप हमें हर जोड़े पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। क्या दोस्तों इस प्लान को लेकर के आप 2 वीक के अंदर में आप टॉप नहीं मार जाओगे? क्या आप जैसलमेर टारगेट को हिट नहीं कर जाओगे? दोस्तों हिंदी में बनाया हुआ है, जो बंगला में मेरा प्लान सुन रहा है इसको बंगला में बना ले, जो उड़िया में मेरी प्लान समझ रहा है उड़िया में बना ले, जो असामीज में मेरा प्लान सुन रहा है असामीज में बना ले, जो तेलुगु में सुन रहा है उसको तेलुगु में बना ले, और घर घर दोस्तों आप खूंटा ठोक दो और भागवत गीता पहुंचा दो। सोचिए इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि जिसके इस्तेमाल से आप स्वेच्छा से अपने परिवार की जागरूकता को पूरा करने के साथ साथ आप चाहे तो समाज के कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी दोस्तों कमा सकते हैं। बताइए दोस्तों इस प्लान को चलाने में घर में समाज में कहीं भी दोस्तों आपको क्या दिक्कत है? आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग यहां पर आ रहा है? कोई शब्द ऐसा जोड़ा हुआ है? कोई शब्द नहीं। हम समाज कल्याण शब्द जोड़िए, संगठन की ताकत संकल्प हर हर गीता और घर घर गीता। दोस्तों उसका संकल्प क्या होगा? अब देखिए HM गोपाल जी, कृष्ण महाराज जी, हेड किशन की, इन्होंने हेड आइकन की जो हेड है, उन्होंने दोस्तों भागवत गीता का प्रमोशन करते हैं। दोस्तों अक्षरधाम टेम्पल के हेड जो है इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन्होंने भी दोस्तों भागवत गीता के प्रचार में लग गए हैं, और सब लोगों को दोस्तों एक धनराशि भी आज सेफ शॉप दोस्तों इसको प्रचार करने के लिए दे रही है, तो हमें भी देगी दोस्तों और दे ही रही है। अल्फ्रेड फोर्ड जो कि दोस्तों चेयरमैन है फोर्ड मोटर्स के, उन्होंने दोस्तों इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी दोस्तों इसकी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्रीमद भागवत गीता का प्रचार मिस्टर महेश गुप्ता जी, जो कैंट चेयरमैन विद श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़े, इन्होंने दोस्तों भागवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। स्टार मार्क इमामी जी दोस्तों भागवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी सुंदर मूर्ति जी इसका दोस्तों प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मिसेज अनुराधा प्रसाद जी दोस्तों News24 चैनल में है, उन्होंने दोस्तों इसकी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। बर्मन इरमानी जी फिल्म एक्टर इसकी प्रचार प्रसार कर रही है। CEO भी मार्ट चेयरमैन ऑफ द स्टोर, भी मार्ट का चेयरमैन दोस्तों इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मिस्टर अजय टंडन सीनियर लॉयर्स हैं दोस्तों, इनका नाम सब लोग जानते हैं, इन्होंने दोस्तों प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आए महाशय धर्मपाल गुलाटी जी दोस्तों इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों आगे मैं बात करूं, अमिताभ बच्चन साहब सुपर स्टार दोस्तों आज हर हर गीता घर घर गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों आज श्री देवकी नंदन ठाकुर जी स्पिरिचुअल गुरु इसकी प्रचार प्रसार कर रही है, और डॉक्टर किरण बेदी जी दोस्तों इसकी प्रचार प्रसार कर रही है। मैं नाम लेना चाहूंगा, आज भारत के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सबके घरों में दोस्तों भागवत गीता पहुंच पा रहा है, और हर लोग दोस्तों सुबह में आज इस पर काम कर रहे हैं। अनु अवस्थी जी TV एक्टर दोस्तों इसकी प्रचार प्रसार में दोस्तों लगे पड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम्स हैं दोस्तों इसकी प्रचार प्रसार में लगे हैं। श्री सत्यपाल मालिक जी गवर्नमेंट ऑफ गोवा दोस्तों ये इनकी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दोस्तों संकल्प हर हर गीता और घर घर गीता का दोस्तों करेंगे, और इस प्रचार को इस प्लान को दिखा करके, और दोस्तों आप अपनी खाली गीता की डेमो दे करके दोस्तों आप इंडिया के हर घर में छा जाओगे। ना तो दोस्तों यहाँ कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ना दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की बात करनी है, ना दोस्तों किसी घर में प्रोडक्ट बेचना है। आपने ओनली फॉर प्रचार और प्रसार घर घर गीता हर हर गीता घर घर गीता का अगर आपने करना शुरू किया, आप एक साइड से उठा लीजिए, कोई इसके लिए लिस्ट बनाने का जरूरत नहीं है। अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहरों में, सबके घरों में दोस्तों भागवत गीता को जैसे मैंने आज समझाया है, आज से लगिए इस वीक के अंदर में दोस्तों आपका चेक की साइज दोस्तों बढ़ोतरी हो जाएगी। और इस लेशन में इस पेज को दोस्तों आपने अपने पास रख लेना है कि फाइंड सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम इन भागवत गीता। और लोग बोलेंगे ये आपके पास चार्ट होना चाहिए, हिंदी में मैं इसको बना दूंगा। कोई एंगर व्यक्ति है तो उसको कौन कौन सी श्लोक पढ़ानी है, बोलो चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 56 पढ़ा दो, चैप्टर 2 का उसी के सामने खोल के चार्ट अपने पास प्रिंट आउट निकाल करके रख लो, चैप्टर 2 का दोस्तों श्लोक नंबर, मतलब ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
तो क्योंकि 18 अध्याय के बारे में जब आप इसका रोज प्रचार प्रसार करोगे तो दोस्तों आपकी भी तो नॉलेज बढ़ेगी। डिप्रेशन में कोई बंदा है, श्लोक नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का सुना दो, चैप्टर नंबर 2 का श्लोक 14 सुना दो। चैप्टर ये दोस्तों किसी ने पढ़ करके बनाया है, कोई लालची व्यक्ति है उसको चैप्टर 14 16 17 का श्लोक 17 21 और 25 सुना दो प्रैक्टिकल। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते। कोई कंफ्यूजन में है, कोई बिजनेस आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहा है, बोला मैं सोच के बताऊंगा, मैं समझा के, कहीं दोस्तों आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको दोस्तों सेल आना चाहिए। तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन में है, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 61, कौन कौन सा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 18 का दोस्तों पढ़ा दो। कोई बंदा ऐसा है जो कि आपके साथ में डिमोटिवेटेड है, बिजनेस नहीं करना चाहता है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके मार्केट में, आपके समाज में, सीधे चैप्टर नंबर 11 पर जाओ, श्लोक नंबर 33 को हिंदी में सुनाओ, चैप्टर नंबर 18 पर जाओ, श्लोक नंबर 48 को सुनाओ, चैप्टर नंबर 18 पर जाओ, श्लोक नंबर 78 को सुनाओ, फटाफट दोस्तों आपका डीडी निकलेगा, फटाफट दोस्तों आपका काम होगा। कोई लोग ऐसा है जो कि लोनलीनेस महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, लूजिंग होप, जिसको आशा ही खत्म हो चुका है, लुस्ट है, अनकंट्रोल्ड माइंड है, टेम्पटेशन में दोस्तों जी रहा है, प्राइड्स में है, घमंड में है, सीकिंग पीस दोस्तों उसका शांति भंग हो चुका है, दोस्तों अपने जीवन से दुखी है, इस बिजनेस से पैसा भी कमाएगा, और दोस्तों इस सारी टेबल्स को याद करके और टेबल्स को प्रिंट आउट निकाल करके दोस्तों आप जा सकते हैं। समझिए दोस्तों, विश्व का सबसे पहली बोलने वाली भागवत गीता के माध्यम से आपके जीवन में और समाज में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों जीवन में समृद्धि और खुशहाली, आत्मज्ञान की प्राप्ति, दोस्तों लास्ट में क्लोजिंग, ईश्वर पर अटूट आस्था, सकारात्मक दृष्टिकोण, क्रोध पर नियंत्रण, दोस्तों जब आप लास्ट में क्लोजिंग करोगे, स्वयं की सोच में वृद्धि, चिंता मुक्त जीवन, आर्थिक उन्नति, ये नहीं कभी बोलते श्री कृष्ण भगवान कि आप अपनी आर्थिक उन्नति ना करें, संसारिक